नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। कैसे हो आप सब? खुश होना, एग्जाम डेट निकल के आ गए 13 फरवरी। लेकिन जो आसपास अगर जो देखा जाए कितने टाइम बचे, तो मैं कहूंगा लगभग 60 दिन के आसपास, या कह सकते हैं 2 महीने आपके पास बचे हैं। इन 2 महीनों में किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्या पढ़ें कि हम रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, या सीधी सी बात करें हम सरकारी नौकरी ले लें, ठीक है? तो एक चीज मैं बता दूं आपको, कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देखो किस प्रकार से कट ऑफ कम जाने वाले हैं। अब कम कट ऑफ को लेके आप सिलेक्शन ले तो, लेकिन कट ऑफ मैंने बताया नहीं था, मैंने उसमें ये बताया था किस प्रकार से 40-45% बच्चे एग्जाम को ड्रॉप करने वाले हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम को छोड़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद मेरे व्हाट्सअप, जो व्हाट्सएप पर मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर इतने मैसेज आए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, ये वीडियो मैं मोटिवेशन के लिए बनाता हूँ, उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना छोड़ चुके हैं, वो उठे और सर पे बांधे पगड़ी और फिर से बैठ जाए अपने टेबल पे, अपने स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कॉम्पिटिशन देख के घबराना मत, कोई कंपटीशन नहीं, मैं तो कहूंगा जीरो कंपटीशन इस बार रहने वाला है। लेकिन कंपटीशन तब जीरो रहेगा जब आप पढ़ाई करोगे। तो क्या करोगे इन 60 दिनों में, सबके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आपको सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करना, कंपलसरी आप सभी के लिए, ठीक है? तो चलिए बात करें, यहाँ पे 60 दिन शेष बचे हैं, रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस को आप देख रहे हो, ठीक है? सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स के। कल मैं आपको एक वाकया बताता हूं, कल मेरे व्हाट्सएप पे लगभग 15 से 20 ऐसे मैसेज निकल के आते हैं, जानते हैं क्या आया है? कि सर बुक बता दीजिए, सर क्या पढ़ें, सर सिलेबस भेज दीजिए। अब बताइए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस नहीं पता, जिनको अभी तक ये नहीं पता किस बुक से पढ़ना चाहिए। अब तो आप तो पढ़ने वाले हो ना, आप तो पढ़ने वाले हो ना, तो अब सोचो ऐसे भी बच्चे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता है सर चाहिए, तो आपका कंपटीशन और हल्का हो जाता। और मैंने बोला 100% देख लेना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 40-45% बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे और आप कहोगे हाँ सर आपने बोला था वही हुआ। और इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक। हम इन 60 दिनों में क्या पढ़े सर, मैंने सिलेबस बता दिया ना, हमने पूछोगे हाँ, मत पूछना गलत बात, ठीक। चलिए हम बात करें यहाँ पे टोटल सिलेबस भी, अब कितना नंबर आना चाहिए सिलेक्शन के लिए, कितना नंबर आना चाहिए कि हम जहां तक आसानी से पहुंचे। देखो, एक नंबर में बताऊंगा, जादुई आंकड़ा में बताऊंगा, मैं कम हो सकता है लेकिन उससे वहां तक पहुंच जाते हो 100% एक्यूरेसी लेके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं 85 नहीं बताऊंगा, ना मैं 80 बताऊंगा, ना मैं 75 बचाऊंगा। किसी भी जोन से फॉर्म डाला है, 70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर जाते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। फिर से बोलता हूं, 70 क्वेश्चन डंके की चोट पे 70 क्वेश्चन आप पहुंच जाओ, 100% एक्यूरेसी है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 65 पे भी किसी जोन में हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है ना बाबू, 65 के चक्कर में मत रहो, आप 70 सोचो, 70 100% एक्यूरेसी, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जीके लेके पढ़ते रहते हैं दिन भर और कहते हैं हमें रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं। बाबू पहले का टाइम चला गया, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आप जीके नहीं पढ़ोगे तब भी आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ और साइंस मिला के 80 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग मैथ साइंस मिला के 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन तो जीके है, और बाकी जीके में करंट अफेयर्स के लिए आप लोग तैयार रहना। ऐसी क्लास में करंट अफेयर्स का दूंगा, ऐसी क्लास दूंगा किसी ने सोची ना होगी, हैं? किसी ने सोची ना होगी। जनवरी 2020 से लेके पूरे दिसंबर 2021 का हर मंथ का करंट अफेयर्स मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। हर मंथ के 80 या 100 जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा, और लगातार शुरू करूंगा ना पूरे एक महीने में, पूरे 2 साल का करंट अफेयर्स मैं आपका करा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि करंट अफेयर्स कराऊंगा यहाँ पे पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूंगा, ठीक। तो करंट अफेयर्स के लिए एकदम मेरे ऊपर डिपेंड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स कराऊंगा, टॉपिक वाइज के लिए आप मिक्स जीके की क्लास चल रही है हमारी, देख सकते हो, बहुत बेहतरीन क्लास है मिक्स जीके की, शाम को 4 बजे चलती है, क्लासेस भी देखनी है। देखो मैं पहले मुद्दे पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? 60 दिन में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक। इन 60 दिनों में क्या पढ़े, सबसे पहला काम आपको करना है रीजनिंग, जहां से 30 नंबर आने हैं।
अगर जो आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो अभी भी किसी भी प्रैक्टिस सेट में, रीजनिंग में अभी भी किसी प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले हो तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। 28 27 कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। 25 जा रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग ही आपको जो भंवर होती है ना उससे पार लगाएगा। अब मान लो 25 आप रीजनिंग नहीं जा पा रहे हो तो क्या करना है बाबू, आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, किसी भी तरीके से आपका मैथ वीक है, साइंस नहीं आ रहा, जीके नहीं आ रहा, तो रीजनिंग में आपको 25 करना पड़ेगा, ठीक, 25 करना पड़ेगा। साइंस सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, कुछ मेरे ऊपर भी छोड़ दो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो रीजनिंग में किसी भी तरीके से आपको 25 पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको दम भर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दम भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जो टॉपिक नहीं आते उसके 40-50 क्वेश्चन लगा डालो, कैसे नहीं आएगा, तो रीजनिंग ही आपको नया पार लगाएगा। उसके बाद दूसरा आता है मैथमेटिक्स, जहां पे आपको 25 में 18-20 तक पहुंचना है, 25 में 18-20 तक पहुंचना है। मैथमेटिक्स कोई महाभारत नहीं आएगा, बहुत हल्का गणित आएगा, आपको लगाना है, ठीक। मैथ के लिए हमने ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशली 500 क्वेश्चंस का एक मैथ का पीडीएफ बनाया है, जिसे हम गेस्ट पेपर मैंने बुलाया, उस 500 क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हो, ऐसा नहीं टीप के मत जाना, उसको समझ के लगाना, अच्छे से लगाना, फुली सॉल्यूशन के साथ है, तो आपको उस पीडीएफ से ही आपके 10-12 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ फंसने वाले हैं। लेकिन वही क्वेश्चन नहीं कि नंबर चेंज हो सकते, उस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं, तो उस पीडीएफ को ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैथ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, और अगर जो आपके पास बुक नहीं है, बुक तो होगा ना, अब वो बुक मत लगाने बैठ जाना, जो मोटी वाली आती है, किरण वाली, वो मत लगाने बैठ जाना, ठीक, आरएस अग्रवाल वाली मत लगाने बैठ जाना। आप कोई भी बुक ले लो, पतली सी हल्के फुल्के स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है उससे लगाना शुरू करो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करो। मैथ और रीजनिंग ये दोनों आपको सिलेक्शन देगा, बाकी साइंस की जिम्मेदारी हमारी है, साइंस की जिम्मेदारी हमारी। आप कहोगे सर जी कैसे आपकी जिम्मेदारी है साइंस, देखो साइंस के लिए मैं क्या कराने वाला हूँ, देखो साइंस के लिए सबसे पहला काम आपको करना है स्टेप वन, तीन स्टेप में चलना है, पहला स्टेप है, तीनों स्टेप चल लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहला स्टेप है साइंस का हमारा कंप्लीट पीडीएफ, लूसेंट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर जो आप पीडीएफ पढ़ते हो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है, आप डिसाइड कर लो कि किस प्रकार से मुझे 40 दिन में या 50 दिन में उस बुक को खत्म करना है, उस पीडीएफ को खत्म करना है, दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर, उसको पढ़ना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने रुक्मणी की दोनों बुक कराई है, बायोलॉजी फिजिक्स पूरा चैप्टर वाइज कराई है, उसका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको वीडियो देख सकते हो। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा डेली मैं प्रैक्टिस क्लासेस लेके आता हूं, मेरी क्लासेस ऐसे होती हैं कि आप एक घंटे डेढ़ घंटे निकालते हो तो मेरा मिक्स जीके की भी क्लास कर सकते हो, फिजिक्स की भी क्लास कर सकते हो, बायोलॉजी। तीसरा मेरा क्लास देखना है, क्लास में क्या क्या देखना है, देखो अभी ये तीन बुकें हैं आपके पास, ये तीन बुकें हैं ना खान सर की, इन तीनों बुकों को मैं कराऊंगा आपको, इन तीनों बुकों को कराऊंगा। अभी मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है, जिसका इसका इसमें 10 चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर मैं 5 वीडियो में करा चुका हूं, अब आगे से मैं इसमें 50-50 क्वेश्चन करके कराऊंगा, और कम मतलब चैप्टर जो भी है 10 में जल्दी करा दूंगा, इसके वीडियो को आप देख सकते हो डेली। इसके अलावा आप हमारा बायोलॉजी की मिक्स बायोलॉजी का क्लास चलता है, 30 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको आप देखो। इसके अलावा फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देखो, फिजिक्स वाला अभी स्टॉप हुआ है, लगभग 18 क्लास हो चुकी है, उसका मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा आपको, उसको देखो, और वो क्लास कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद मिक्स जीके की क्लास चलती है, मिक्स जीके इसलिए क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ मिल जाता है, एकदम परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर्स के एकदम मत घबराना, कब से क्लास स्टार्ट करूँ थोड़ा सा ये दिक्कत है, 13 तारीख को शादी पड़ा है घर में, ठीक है, वो शादी पड़ जाए, पूरा पीडीएफ पीपीटी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मंथली वाइज मैं देना शुरू करूंगा, तो मैं रुकूंगा नहीं, तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको इन 60 दिनों में करना, मेरे पास एक 45 दिन का टाइम टेबल है, अगर जो आप कहो सर जी मुझे 45 दिन का टाइम टेबल दे दिए किस प्रकार से पढ़ाई करना है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुल मिला के बिना पढ़ाई किए सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। स्टैटिक जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, 20 क्वेश्चन आने हैं, करंट अफेयर्स मैंने बोला मैं करा दूंगा, वहां से पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए भी मेरा पीडीएफ है, वो ले सकते हो, ठीक। इसके अलावा एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया, मास्टर पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें वो बेहतरीन है, जबरदस्त है भाई, कोई भी पीडीएफ नहीं लो, लेकिन वो मास्टर जीके प्रैक्टिस वाला, उस पीडीएफ को जरूर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्योंकि उसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके का लगभग 30-35
प्रैक्टिस सेट है टॉपिक वाइज है, मैथ का 20 सेट दिया गया, इसके अलावा रीजनिंग का 10 सेट दिया गया, और इसके अलावा आपका जो मतलब साइंस है उसमें भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो उसको भी लो और सारी चीज़ों को लगाना शुरू कर दो। और क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। एक और चीज़ मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ, हफ्ते में 3, ये आपका 15 के बाद ही होगा, हफ्ते में 3 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मैं कराने की सोच रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए। हफ्ते में 3 पूरा वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, साइंस भी होगा, जीके एंड करंट अफेयर्स भी होगा। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 के 100 करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा वो प्रैक्टिस सेट देने के लिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कोई भी दिक्कत हो सीधा सा कमेंट्स करके बता दो, सर जी मुझे ये दिक्कत आ रही है, व्हाट्सअप नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ जरूर लो, पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, सोते उठते जागते ऐसे पढ़ना, ऐसे टाइम निकाल के मत देखना, सोते उठते जागते तब पीडीएफ को पढ़ना, ठीक। बाकी बुक्स हैं, आप अगर जो कहीं पे क्लास कर रहे हो ऑफलाइन तो ऑफलाइन क्लास करते रहो रिवीजन वाली, ऑनलाइन कहीं क्लास कर रहे हो तो वो भी करते रहो, साथ में मेरे वीडियो के लिए 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी है टाइम, जब करंट अफेयर शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, तो वो आप जरूर देना, ठीक। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और मैं आपको मोटिवेट तब तक करता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक आपके सिलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक। तो पढ़ना मत बंद करना बाबू, पढ़ते रहो, मस्त रहो, जय हिंद जय भारत।